को किस तरह दिख रहे हैं और क्या कोई तो नाम आप देखते हैं सरप्राइज है? नहीं, मेरे ख्याल से बहुत अच्छी टीम सेलेक्ट हुई है। सेलेक्टर्स ने बहुत अच्छी टीम को चुना है जिसमें एक बैलेंस है। सीनियर प्लेयर्स भी हैं जो तो ओल्ड ब्लड और यंगर ब्लड का मिक्स है। आप देखिए रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे वरिष्ठ खिलाड़ी भी उसमें हैं और इसके बाद यंगर प्लेयर भी उसमें हैं, तो एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनाया गया है। और कुछ प्लेयर्स जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे उनको रिजर्व में भी रखा है, जैसे शुभमन गिल और रिंकू सिंह, है ना। क्योंकि ये तो अगर कोई क्योंकि दूर हो रहा है ना वेस्ट इंडीज में और अमेरिका में, तो प्लेयर्स को इतनी जल्दी जो है रिप्लेसमेंट भेजना मुश्किल था, तो ये लोग भी जा रहे हैं तो जरूरत पड़ने पे इनको भी मौका मिल सकता है। तो एक मेरे ख्याल से पूरा स्क्वाड जो है और प्लस रिजर्व बहुत अच्छा है। और फास्ट बॉलर क्योंकि वहां की विकेट्स बहुत फास्ट होती है वेस्ट इंडीज को, 10 से 2 एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर्स भी उन्होंने रखे हैं, खलील को भी रखा है वहां पे। तो ये जो है मुझे लगता है कि बहुत अच्छा सिलेक्शन है और पूरा एक पर्याप्त बैंक प्लेयर्स का सेलेक्टर्स ने बना के टीम इंडिया को दिया है और मुझे लगता है कि उससे हमारे विश्व कप में हमारी टीम सफल होगी। सर रिंकू के लिए हाँ, लेकिन अभी स्लॉट नहीं बन पा रहा था रिंकू का। रिंकू को सब चाह रहे थे लेकिन स्लॉट अभी नहीं बन पा रहा था क्योंकि सारे और प्लेयर्स भी थे, इसलिए उनको रिजर्व में रखा है। किस्मत होगी उनको मौका मिल सकता अगर कोई, तो इसलिए उनको रिजर्व में रख भेजा है। तो भी अमेरिका जरूरत है। आई थिंक इट्स अ परफेक्ट टीम। सेलेक्टर्स हैव मेड अ गुड कॉम्बिनेशन ऑफ ओल्ड ब्लड एंड यंगर ब्लड, एक्सपीरियंस प्लस न्यू टैलेंट, सो इट्स अ ब्यूटिफुल कॉम्बिनेशन। देयर आर रोहित शर्मा एंड विराट कोहली आर सीनियर प्लेयर्स हु कैन गाइड द यंगर प्लेयर्स, देन देयर लॉट मेनी यंगर प्लेयर्स ऑल्सो, एंड देन स्पेशली दे हैव प्रोवाइडेड ए रिजर्व ऑफ 4 प्लेयर्स विच इंक्लूड्स शुभमन गिल एंड रिंकू सिंह ऑल्सो। रिंकू सिंह आई मीन हिज क्लेम वॉज रियली वाइटल बट there was no slot available for him, so he has been taken as a reserve player, so he may also get an opportunity in any eventuality because the matches are taking place in America and West Indies mostly, which is far away. So I think reserve players is very important to take reserve players also there, and they are fast wickets also, they have taken 2 fast bowler also in reserve. So I think it's a good package which they have given, selectors have given to the team management, and I think we will definitely do much much better in World Cup. देखिए इस देश को आजादी किसने दिलाई? कांग्रेस पार्टी ने दिलाई। आजादी की लड़ाई किसने लड़ी? कांग्रेस पार्टी ने लड़ी। जनसंघ या बीजेपी इन लोगों ने तो कभी कोई लड़ाई नहीं लड़ी आजादी की लड़ाई में, कहीं कोई इनका योगदान नहीं था। कांग्रेस ने आजादी की लड़ाई लड़ी। पार्टीशन तो समय की मजबूरी थी जो ब्रिटिशर्स ने करवाया। कांग्रेस ने तो पूरे जो है, और नेहरू जी ने तो पूरा कई जो है कई महत्वपूर्ण क्षेत्र बचा लिए, वो भी पाकिस्तान में जा रहे थे, उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो कांग्रेस ने तो इस देश को आजादी दिलाई, वरना अंग्रेजों के की गुलामी आज तक कर रहे होते, इसका श्रेय तो कांग्रेस को जाता। कांग्रेस ने क्या गलत किया? और जहां तक आरक्षण का प्रावधान है, ये भी उस समय का जो संविधान निर्माता थे बाबा साहब अम्बेडकर जो कांग्रेस पार्टी में थे, उन सब लोगों ने एक संविधान बनाया और सब लोगों ने मिलके, और उस संविधान में जो समाज के गरीब लोग थे, कमजोर वर्ग थे, उनको आरक्षण का प्रावधान किया। अब संविधान बदल के ये सब संविधान में से परिवर्तन करना चाहते हैं ताकि गरीब तबके को, कमजोर तबके को, दलितों को, पिछड़ों को, इन सबको कोई आरक्षण न मिल पाए और न इनको कोई मदद मिल पाए। तो इसलिए सारी साजिश चल रही है, सारी योजना चल रही है। कांग्रेस किसी कीमत पे इस संविधान को नहीं बदलने देगी। इस काम में पूरा इंडिया गठबंधन के लोग हैं कि भाई हमें संविधान नहीं बदलने देना। बाबा साहब अम्बेडकर का दिया समय, नेहरू जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन सब के योगदान से संविधान बना, उसको कैसे हम जो है हटा सकते हैं।